कर्नाटक में कांग्रेस के जले महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले कांग्रेस को एक सुझाव दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर शिवसेना एनसीपी तो साथ आ गए हैं, लेकिन इस खेल में कांग्रेस के हाथ में सबसे जरूरी पत्ता है। इस बीच जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने सारे सियासी सर्कस पर कांग्रेस को एक सलाह दी है। इफ कांग्रेस गिव्स इट्स सपोर्ट टू शिवसेना, इफ आई डोंट नो व्हाट मैडम विल डू, दे शुड नॉट डिस्टर्ब फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, देन ओनली द पीपल विल ट्रस्ट कांग्रेस। बाला ठाकरे हैज गिवन द प्लेस टू बीजेपी इन महाराष्ट्र, वेयर वाज बीजेपी? Advani and Vajpayee has gone to Bala Saheb's residence and requested him for some seats. Taking the help of Bala Saheb Thackeray, now the BJP has overrided more than two decades. That's why Uddhav Thackeray has taken the decision, I want to teach a lesson. He has taken that stand. Now it is in the hands of Congress and NCP to put down BJP. दरअसल कर्नाटक में मुख्यमंत्री कुमार स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार जुलाई 2019 में गिर चुकी है। विश्वास मत के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि विरोध में 105 वोट पड़े थे। हार के बाद कांग्रेस नेता एच के पाटिल ने कहा था कि कांग्रेस विधायकों की धोखेबाजी की वजह से हम हारे हैं। वही कर्नाटक में कुमार स्वामी सरकार के विश्वास मत में बीएसपी विधायक एन महेश ने भी वोट नहीं किया था। महेश को बीएसपी हाईकमान ने कुमार स्वामी के पक्ष में वोट करने को कहा था, लेकिन फ्लोर टेस्ट में महेश गायब रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर हुए चुनाव में 105 सीटें जीतते हुए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों का समर्थन जरूरी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान खत्म हो चुकी है। दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर एक साथ चुनाव लड़ा और एनडीए को बहुमत भी मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए 50-50 फॉर्मूले के हिसाब से 2.5 साल के लिए कुर्सी को लेकर हुए झगड़े में शिवसेना का एनडीए से तलाक हो चुका है।